नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने महाविकास अघाड़ी गैंग में हड़कंप मचा करके रख दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई सारी मेहनत पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पानी फेर दिया, या यूं कहें कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल परमवीर सिंह को 6 दिसंबर तक किसी भी एफआईआर में गिरफ्तार नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिस पर आज फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम 11 जनवरी 2022 तक इस आदेश को सुरक्षित रखा है। यानी 11 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी और तब तक परमवीर सिंह को किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस फैसले के अलावा जो अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसे सुनने के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ चल रहे सभी केसों को सीबीआई के हाथों हैंडओवर करने का आदेश दिया है। अगले 3 सप्ताह के भीतर इस पर उद्धव सरकार को फैसला लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो अनेकों केस चल रहे हैं, उन्हें सीबीआई को दे देना चाहिए, ताकि जगह जगह एक ही मामले को लेकर अलग अलग जांच को रोका जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सरकार ने जो परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए जो 5-6 केस दर्ज कर रखे हैं, वो सारे के सारे केस है वो सीबीआई को दे देने चाहिए, सीबीआई को उसमें जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जो भी जांच परमवीर सिंह के खिलाफ बिठाई थी, जो भी डेवलपमेंट अब तक परमवीर सिंह के खिलाफ किए गए थे, या यूं कहें कि परमवीर सिंह को फंसाने या फिर उन पर दबाव बनाने का या फिर उन्हें डराने धमकाने का जो काम अब तक उद्धव सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उससे परमवीर सिंह को छुटकारा मिलेगा और कई बड़े राज भी खुल करके सामने आएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो परमवीर सिंह पर केस वापस लेने और वसूली कांड को रफा दफा करने का दबाव बना रहे थे। अब सारे राज खुल करके सामने आएंगे, वसूली गैंग के एक एक प्यादे के चेहरे से पर्दा उठेगा। वसूली कांड को लेकर के सीबीआई पहले से ही जो कहीं ना कहीं जांच कर रही है, कह सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भी जांच चल रही है। ऐसे में अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के दौरान ही परमवीर सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके मुताबिक परमवीर सिंह के खिलाफ जो 5-6 केस दर्ज किए गए हैं, वो सारे के सारे हैं वो सीबीआई को दे दिए जाने चाहिए, ताकि सीबीआई एक साथ सभी केसों की जांच कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब वो सारे राज खुलेंगे कि परमवीर सिंह के खिलाफ किसने क्या बोला, 231 दिन बाद उनको सस्पेंड करने के क्या कारण थे, उद्धव सरकार ने 231 दिन का इंतजार क्यों किया, परमवीर सिंह पर किसने दबाव बनाया, 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के किस तरह के दबाव परमवीर सिंह पर बनाए गए थे, इन सब की जांच होगी और सीबीआई इन सब का बड़ा खुलासा करेगी, तो फिर उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कई बड़े भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब होंगे, वसूली गैंग के कई बड़े प्यादों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब उद्धव सरकार की पुलिस परमवीर सिंह को 11 जनवरी 2022 तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, जो वसूली गैंग के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहले से ही अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, तो ऐसे में परमवीर सिंह के सभी केसों की जांच है वो सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि सीबीआई उद्धव सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि उद्धव सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम थे, उनके खिलाफ जांच करेगी, तो फिर उद्धव सरकार के हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा। सीबीआई कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एजेंसी है, ऐसे में उद्धव सरकार के दबाव में नहीं आएगी, तो फिर परमवीर सिंह को लेकर के, अनिल देशमुख को लेकर के, वसूली कांड को लेकर के, वसूली गैंग को लेकर के सारे राज खुलेंगे, तो ऐसे में फिर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भी सारे राज खुल करके सामने आ जाएंगे। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार अनिल देशमुख को बचाने में पूरी तरह विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़े बदलाव का इशारा है।
क्योंकि देशमुख को बचाने के लिए शरद पवार ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब उद्धव सरकार के हाथों परमवीर सिंह निकल चुका है। ऐसे में शरद पवार के पास सीबीआई जांच की रफ्तार को कम करने के लिए केंद्रीय नेताओं से समझौता करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भ्रष्टाचारों के आरोपों से बचने में जो विफलता हाथ लगी है उसका ठीकरा अब एक दूसरे के सिर फोड़ा जाना शुरू होगा, जिसमें एनसीपी और शिवसेना के बीच तकरार होना भी तय है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में परमवीर सिंह के खिलाफ चल रहे जो सारे केसेज हैं उनको सीबीआई को हैंडओवर करने से क्या उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराएंगे, क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अब उद्धव ठाकरे से किनारा करेंगे, क्या एनसीपी और शिवसेना में तकरार बढ़ेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।